लगने खेला कैसा गेम, देसी बाबू इंग्लिश में, रोज नया है एक प्लान, तीर कहीं तो कहीं कमान, टेंशन में है हर बंदा, कैसे चलेगा ये धंधा, भैंस के आगे बीन नहीं, इम्प्रोवाइज़ी नहीं, मतलब क्या है वट्टा सट्टा, जो नो कर वो जाकर भी, अंदर भी है बाहर भी, नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ न जाए इनका फट्टा, कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। आया 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 बाबा आया, वाह 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 वाह, आज आप लोगों के लिए खास तरीके से पराठे बनाए। अरे क्यों बाबा, तुम खुद चूल्हे में बैठा था क्या? ये चीनी पराठे कहलाते हैं। अरे बाबा ये तो फिर आधे घंटे में हजम हो जाएंगे। बच्चू साहब, चीनी चीनी के पराठे यानी मीठे पराठे। अरे बाबा तो ऐसे बोलो ना। अच्छा ऐसा है कि मैं अभी जरा चलता हूँ, क्योंकि मलेशिया की पार्टी है, उसके साथ जरा वीडियो कॉन्फ्रेंस है, ठीक है? कोई भी काम हो ना खुद उठ के करना आपने। कौन आदमी है? अच्छा ये बताओ यहाँ से चीनी कितनी दूर है? पड़ोस में ही अपने। अरे बाबा लेकिन पड़ोस में तो वो गंजा आदमी रहता है। अच्छा ये बताओ कि आप कभी मुल्क से बाहर घूमने गई हो? बहुत दफा। वैसे बच्चू बड़ा मजा आता है, एक काम करते हैं, मैं और तुम भी ना मिलके मुल्क से बाहर कहीं घूमने चलते हैं, लेकिन अगर उससे पहले तुम मेरी एक मुसीबत दूर कर दो। अच्छा बाबा वो क्या मुसीबत? अरे कौन कहाँ जा रहा है? अरे बाबा मैं और सीमा मुल्क से बाहर जा रहे घूमने, ये इस्लामाबाद मरी और पिंडी वगैरह। अरे बच्चू ये सब तो पाकिस्तान के अंदर ही है, हम कहीं और जाएंगे। बेबी साथ चलूंगी। हरगिज़ नहीं। अरे बाबा क्यों? अरे मियां बीवी के बीच में ये नन जैसी गंद का क्या काम? क्या तुमने मुझे गंद बोला? हाँ सिर्फ बोला ही नहीं, मैं इसे समझती भी हूँ। देखा था मानसंत को मजा, इसने तुम्हारे सामने मुझे गंद बोला। अरे बाबा परेशान होने की जरूरत नहीं, वो कहावत नहीं सुनी है, जो कहता है वही होता है, गुस्सा नहीं करो बाबा, गुस्सा नहीं करो। बच्चू क्या कह रहे हो ये? अरे बाबा बच्ची को बहला रहा हूँ। बच्ची अगर तुम इसकी टाइम पे शादी कर देते ना, इसकी खुद की बच्ची होती है अभी। बाजाई बस, अभी मेरे अंदर की जरीना को मत जगाना, वरना तुम मुझे जानती नहीं है। मैं जा रही हूँ, उसने मुझे गंद कहा। जा, सुबह सुबह मेरा मूड खराब कर दिया, सारा पराठा खराब कर दिया। मेरा भी तेरी वजह से मूड खराब हो गया। अरे बाबा जरीना नाश्ता तो करो। अरे बाबा सही लिखो, जल्दी से लिखो, पूरे महीने का सौदा लाना है। इतना लिखवा रहे, इतनी देर में तो मैं नॉवेल लिख लेता हूँ। अरे बाबा काम चोरी नहीं करो, अभी सौदा लेने भी जाना है तुमने बाजार। आप किस काम के हैं? तुम्हारा क्या मतलब है साईं? हम जाएगा बाजार सौदा लेने? क्यों आप इद्दत में बैठे हुए? ए बाबा तुम तो बहुत बहस करता है भाई, और आप शोर बहुत करते हो। अस्सलाम वालेकुम। एक मिनट साईं, आप कौन है? मैं पड़ोसी हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, हम बच्चू। अरे बस 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 भाई, हमें बताने की जरूरत नहीं है, हम तो देखते ही पहचान लेते हैं कि कौन क्या है। भाई जल्दी से जरा एक गिलास पानी तो लेकर आओ। अरे बाबा हम इस घर का मालिक है। अरे ये बातें छोड़े, ये ले जा, ये खाकर बताएं कि कैसी लगी। दे बाबा दे। अरे बाबा तुम हमसे मजाक करते हैं? जूता खा के दिखाए हम तुमको कैसी है, ये रखो अपने पास, हमें नहीं चाहिए। माफी चाहता हूँ। ये भाई गलती हो गई जरा, ये ले मिठाई। ये बताए कि कैसी लगी, कि खाए जरा। अरे बाबा हमको भी तो दो ना मिठाई। मालिक बनिए, भूखे ना बनिए। वैसे ये चप्पल भी मैं आप लोगों के लिए लाया था। अरे बाबा चप्पल तो हमारे पास भी है। अरे नहीं नहीं, मैंने सोचा कि जब यहाँ दूध वाले हो सकते हैं तो शायद मोची भी हो। अरे बाबा तुम हमें मोची समझते? खड़े हो जाओ सही, खड़े हो जाओ, चलो निकलो हमारे घर से बाहर। निकलो, चाय कॉफी कोई? चाय कॉफी पिएगा तुम ऐसी बातें करते, खड़े हो फिर निकलो घर से बाहर। मेरी मिठाई तो एक दिन हमारे घर में जो चीज आ गया वो हमारा। चलो बाबा निकलो इधर से। अरे मैडम बड़ी परेशान नजर आ रही है आप। हाँ मैं बहुत परेशान हूँ, जरीना की वजह से परेशान हूँ मैं। अगर मुनासिब समझे तो मुझे कुछ बताएं। तुम्हें जैसे नहीं पता, सब कुछ तुम्हारे सामने तो हो रहा है, जब भी कोई काम होता है अपना भैंस जैसा मोले के बीच में रहती है, हर काम को इतना लंबा कर देती है, मैं तंग आ गई हूँ। अरे इसका तो बड़ा आसान सा हल है मेरे पास। वो क्या बताओ? भाई ये काम करें, उनकी शादी कर दें, सारा मसला खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। अगर इस गंवार से कौन करेगा शादी? लो आजकल लोग गंदे मौजे नहीं छोड़ रहे, और वो तो फिर भी बड़ी खूबसूरत लड़की है, आप अपने आप को देख लें, कैसे चवल जैसे मेरा मतलब है बच्चू जैसे आदमी से आपने शादी की, तो मेरा मतलब था कि मतलब तो ठीक है तुम्हारा, मगर लड़का कहाँ से लाएंगे इसके लिए? लो इसके लिए मेरे पास एक तरकीब है। अच्छा बताओ जल्दी से, जरा करीब आए।
वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो फिर जवान आज ही आज बनाना चाहिए काम। अरे बाबा बड़ी खूबसूरत लग रही है। थैंक यू बच्चू। अच्छा सुनिए बच्चू, आज ना जरीना को देखने कुछ लोग आ रहे हैं। अरे बाबा जरीना कोई ताजमहल है जो उसको देखने लोग आ रहे हैं? नहीं मेरा मतलब है लड़के वाले आ रहे हैं। अरे बाबा लड़की वाले भी होते तो क्यों आ रहे हैं? ओहो शादी के सिलसिले में आ रहे हैं। किसकी शादी? जरीना की। और किसकी? जरीना की शादी? इसमें तो हैरान होने वाली कौन सी बात है, क्या मतलब जरीना जिंदगी भर हमारे घर में पड़ी रहेगी? पड़ी क्या मतलब है बाबा, वो चर है जो पड़ी रहेगी। भाई मैंने कह दिया ना। अच्छा बच्चू बस आप तैयार हो जाए प्लीज। का वो है मेरे? अच्छा अच्छा मैं अपना वो पीला वाला सलवार सूट पहनता। पीला सूट? जरीना का मायू नहीं है, रिश्ते वाले आ रहे हैं, आप अच्छा सा सूट पहन लें कोई। अरे पापा कौन सा सूट? वो जो बारात पे शमा आंटी ने गिफ्ट किया था, वो पैंट और वो कोट। अरे बाबा ये शमा परवाना जला कर ही रहेगी। लो बस अब ऐसे तुम मुंह ना बनाए ना, हो जाए तो यार पहन के आए ना कोट जल्दी से प्लीज। रेडी पहन के आया, जल्दी से दिखाए मुझे। रेडी पहन के आया। बच्चों कमीज भी तो पहननी है। ये क्या कर रहे हो, कुर्ता सलवार पे कौन कोट? नहीं नहीं तुम जाओ जाके पैंट कोट पहन के आओ, शर्ट पहनो उसके नीचे। कौमी लिबास से आगे कुछ नहीं बस। अदा आज तो आप बहुत ही सुठे मानू की तरह लग रहे हो, सद्दू को बन्या। अरे बाबा मेरी बात पूरी सुन ले, हो सकता है मैं तुझे जहर लगूं। जहर क्यों? अरे मैं बताती हूँ उसे। देखो हमने ना तुम्हारी शादी के लिए एक लड़का देखा है, पसंद कर लिया है। क्या सिर्फ एक? अरे बाबा क्या मतलब है तेरा? मतलब नहीं इरादा पूछे इससे इसका। बाबा बाबा मेरा मतलब है कि सिर्फ एक छोकरा, भाई दो चार छोकरे होते तो एक छोकरे को पसंद करने में मेरे को आसानी हो जाती। अच्छा अच्छा फिर ठीक है। वैसे मैं पूछना भूल गया, वो लड़का करता क्या है बाबा? वो लड़का जरीना, वो जो लड़का है ना एक जूतों की बहुत बड़ी फैक्ट्री का मालिक है, और उनकी फैक्ट्री से सारे जूते पूरी दुनिया में जाते हैं, बड़े मशहूर उनकी फैक्ट्री के जूते। लेकिन एक मसला है। अरे बाबा मसला है तो ठीक है, शादी कैंसिल। अरे पहले मसला तो सुन लो, हो सकता है ये कोट उतारने की तुमको जरूरत ही ना पड़े। वैसे जरीना आखिर मसला है क्या? वो अदा मैं ना किसी को पसंद करती हूँ। अरे बाबा क्या बात करता है, तुम हमारे खानदान की नाक कटवाएगा क्या? हम तुमको यही जिंदा गाड़ देगा। चुप चुप, अगर मोहल्ले में किसी ने सुन लिया और पुलिस वालों को फोन कर दिया, पुलिस आएगी आपको लेकर जाएगी, इतना धोएगी कि आज तक किसी ने इतना धूप नहीं धोया होगा। अरे बाबा ये बात तो पहले की बताने की होती है ना। अब आराम से बैठो। अच्छा सही ना, तुम एक बात बताओ, आखिर वो बदनसीब, सॉरी मेरा मतलब वो खुश नसीब है कौन? वो भाई बाद में बताऊंगी। अरे बाबा तो फिर ये जरीना ऐसी बातें क्यों कर रही है? तो जरीना से पूछो ना, मेरी तो बचपन में ही शादी तय हो गई थी। हाँ हाँ इसकी शादी तो बचपन में तय हो गई थी, लेकिन अभी तक इसलिए नहीं की क्योंकि जानी की अम्मा से जोशी ने कहा था कि जो भी लड़की इससे शादी करेगी एक महीने के अंदर अंदर शादी की, उस लड़की के पूरे खानदान वाले लुढ़क जाएंगे। ऐसा कहा था अम्मी? हाँ कहा था, कहा था। अरे बाबा फिर तो शादी कैंसिल बाबा, शादी कैंसिल। रुक 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 रुक, थोड़ा सा तो सबर करो बच्चों। वो एक जो वो जूते की फैक्ट्री के मालिक ने आना था मिलने, वो भी तो मिलने आ ही रहा है, मिल लेना, क्या बुराई है? अच्छा बाबा पता नहीं वो कब आन मरेगा बाबा, मैंने कहीं और भी जाना है, टाइम नहीं है, देर हो रही है बाबा। थोड़ी देर और पहनो, जानी उसे पता करो ना फोन करके कितनी देर में आ रहा है। मैंने किया फोन, रास्ते में आ रहे हैं वो। अरे बाबा मेहमान रास्ते में है तो फिर तुम इंतजाम करो ना उसके कुछ खाने पीने का बाबा। मैं करता हूँ। जाने बाबा ये किधर गया है? खट्टा मीठा खट्टा मीठा। भाई एक बात बताओ, आपके जिल्लत का मीटर जो है वो हैंग हो गया क्या है? जितना जलील करो कोई फर्क ही नहीं पड़ता आपको, है उल्टा पहले से ज्यादा डटाई से आते हो। ए नौकर तमीज से बात करो, तुम मुझे जानते नहीं हो। मुझे जानना भी नहीं है, मैं साहब से बात करूंगा। अरे बाबा तुम फिर आ गए। अरे मैं तो आपसे मिलने के लिए आया था।
अच्छा हाँ, हमने वर्ल्ड कप जीता है ना, तुम बार बार हमसे मिलने आ जाता है। अब बच्चू ये अजीब सा आदमी कौन है जो हमारे घर के अंदर हेलमेट पहन के घूम रहा है? नहीं पहचाना? अरे भाई हम आपके पड़ोसी हैं। बाय द वे आपकी तारीफ। जी ये घर है मेरा, मालकिन हूँ मैं इस घर की। अच्छा अच्छा, और ये? जी ये मुलाजिम है, मैनेजर है मेरे। और ये? ये शौहर। शौहर? कमाल है जी, किस किस्म का शोर रखा है आपने? अरे बाबा तुम तमीज से बात करो वरना अब। वरना? वरना क्या? क्या वरना? क्या? वरना? अच्छा वाह, आप लोग बीच में आ गए, वरना आज आज यह खून की नदियां बह जाती। अरे बाबा तुम बकवास बंद करो, चलो जाओ यहाँ से। देख रही हैं आप, देख रही हैं कैसे बात कर रहे हैं मुझसे, कैसे बात कर रहे हैं मुझसे। हालांकि मैं तो यहाँ मिठाई भी लेकर आया था, और फिर मेरे साथ ऐसा सुनू कौन है? मिठाई लाए हैं? कौन सी, दिखाइए। ये रही, ये 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 कौन सी मिठाई, कब खरीदी थी? अभी बड़े बड़े जूता बन गई। नहीं नहीं, मिठाई तो मैं थोड़ी देर पहले लेकर आया था। मैं तो आपसे ये पूछने के लिए आया था कि आपने लोकर भी रख लिया, दूध वाला भी रख लिया, क्या कोई मोची भी रखा हुआ आपने? वो क्या है कि मेरा जूता टूट गया, बड़ा कीमती है, एक मोची मुझे बेवकूफ बनाकर भाग गया यहाँ से। अरे बाबा तुम बेकार की बातें करते हैं, जाओ यहाँ से, मेहमान आने वाले। ये पकड़ो अपना अपना मिठाई का डब्बा और लेकर निकलो बाबा, चलो। अरे बाबा तुम ऐसे नहीं मानेगा, चलो बाहर निकलो। ना बाबा मुखे ना कहीं भरू भरू में पोया पैया तोफा। अब जरीना 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 जरीना, देखो मेरे और तुम्हारे इख्तलाफात अपनी जगह, मगर एक बात पे तो मुत्तफिक है ना भाई, तुमने कभी जिंदगी में शादी करनी भी है कि नहीं? करनी है ना। हाँ लेकिन मैं किसी खूबसूरत और बहुत ही ब्यूटीफुल प्यारे प्यारे लड़के से शादी करूंगी। तो मेरी ब्यूटीफुल सी नन के लिए खूबसूरत और ब्यूटीफुल सा खानदानी मर्दी तो रिश्ता लेके आ रहे हैं? क्या तुम इधर उधर की बातें कर रही हो? तुम इस आदमी पर फोकस करो, बहुत अच्छे आज चलो तैयार होते हैं। लेकिन वो जानी जो मैं कह रहे थे कि जानी इनसे मिलिए, जूते के कंपनी के मालिक मिस्टर डीजे खान। डीजे? अरे बाबा कोई पार्टी शार्टी रखा है क्या, डनस सनस रखा है क्या? तेरे को ऐसी जगह पे गोली मारेगा ना, तेरे को नजर भी नहीं आएगा उसका निशान। हमारा नाम सही लियो, हमारा नाम है दिलजोड़ खान, हमारा हर काम होता है जोड़ तगड़ा। और एक काम करो, ये वक्त को जाया ना करो, जाओ जाके लड़की दिखाओ, जाओ। अरे सही सरा, सबर करो सबर करो, थोड़ा ठंडा खाओ थोड़ा ठंडा पियो। ये बात सुन, हमारा ट्यूबलाइट, हमारे पास ना ये वक्त ना कम है बॉस, समझा? अरे बाबा तुम्हारे पास वक्त कम है कि तुम्हें कैंसर है? ये तुम कॉमेडी करने आए यार, हमें लड़की दिखाने है? हमारा जो बिजनेस है ये बड़ा बिजनेस है, ये बड़ा। अच्छा ठीक है बाबा, मान लिया तुम्हारा ये बड़ा बिजनेस है, लेकिन ये तो बताओ बाबा तुम्हारा फैक्ट्री है किधर? ये स्कूल के सामने। अच्छा ठीक है, फिर स्कूल किधर है बाबा? फैक्ट्री के सामने। होशियारी है, होशियारी है, ये दोनों किधर है बाबा? ये आमने सामने। खान साहब आपको याद है ना, आप किस लिए आए यहाँ? अबे ले हम तो बातों बातों में भूल ही गया था, ये जाओ जाके लड़की लेके आओ, मेरी लड़की दिखाओ जोर तगड़ा। किसी ने बुलाया ही नहीं उसको। जरीना जरीना जल्दी आओ ना। या अल्लाह, ये इनका मुंह क्या नया बनवाया जो इनकी पैकिंग नहीं खोली है? ऐसा लगता है कि जैसे जो चप्पल आती है ना नई, उसके अंदर जो पैकिंग होती है ये वो लग रहा है मेरे को। बस खान साहब अब यही समझ लीजिए यार, वैसे हमको ना ये हमको रिश्ता कबूल है, ये बिल्कुल जो तगड़ा हो जाएगा बाबा, जो तगड़ा। अरे भाई बहुत बहुत मुबारक हो, मुंह मीठा हो जाए। अरे बाबा रुको साईं रुको, अभी हमने आखिरी फैसला नहीं सुनाया है। बच्चू साहब फैसला जल्दी कीजिए, इनकी फ्लाइट है कल सुबह की तुर्कमेनिस्तान की। हाँ बिल्कुल गोचा, बिल्कुल तुम ठीक कहता है, अभी हम 5-star होटल जाएगा, वहाँ आराम करेगा और फिर अपना फ्लाइट लेके हम तुर्कमेनिस्तान चला जाएगा। तुर्किस्तान नहीं, तुर्कमानिस्तान। अरे बाबा अच्छा नहीं लगता है, जब तक फैसला नहीं हो जाता है मेहमान हमारे घर में ही रहेगा। और एक बात और जानी, तुमने इंतजाम अच्छा करना है, हमारी इज्जत का सवाल है, हमारा मेहमान है बाबा, इसको अच्छे तरीके से ठहराओ, ठीक है? हाँ जाओ जाके इंतजाम करो ना इनका अच्छा सा। तो बाबा हम आता है, इंतजाम करना इनका अच्छा सा। हा
अरे मेरी गाँव कुछ ऐसा कर कि जरीना के दिमाग से शादी का भूत उतर जाए, नहीं तो वो जूते के मुंह वाला, ओ, मेरा मतलब है बाबा कि वो जूता कंपनी का मालिक यहाँ से भाग जाए। बच्चों तेरी ख्वाहिश जरूर पूरी होगी। हाँ मेरी गाँव की आवाज है। खट्टा मीठा। खट्टा मीठा। जानी हमको एक कप कावा पिला। जानी हाँ मर गया है यार। अरे बाबा जानी किधर है, मेहमान कब से कहवा मांग रहा है, कोई पूछ नहीं रहा मेहमान को। ये मैं तुमको मारू, हम इस घर में रिश्ता विश्ता नहीं करेगा, हमारे शान के खिलाफ ना ये तोहीन हो रहा है, तोहीन। अरे वाह सही वाह, ये तो अपनी ख्वाहिश पूरी हो गई। कौन सी ख्वाहिश है, क्या चल रहा है यहाँ पे? अरे नहीं, इसने खुद रिश्ते से इनकार किया है। भैया रिश्ते से इनकार कर दिया क्यों? हमने इसको बोला है कि हमको कहवा पिलाओ, एक घंटा हो गया मांगते हुए, एक घंटा, ये हमको कहवा नहीं पिला रहा, हमारा शान का तोहीन हो रहा है यहाँ पे, समझा क्या? ट्यूबलाइट। I'm sorry, मैं इसके लिए कुछ करती हूँ, अभी कहवा लेकर आती हूँ। क्या क्या आपको कितना समझाया मैंने, बड़े घर के लोग हैं, जरीना को खुश रखेंगे, हम सारी जिंदगी जरीना को घर बिठा के तो नहीं रख सकते। अरे बाबा इस बात पे लेक्चर देने से कुछ नहीं होगा, मैंने कुछ नहीं किया है, उसको कावा नहीं मिला तो उसने शादी से इनकार कर दिया है। किया नहीं है इनकार, आपकी ख्वाहिश है कि वो इनकार कर दे। देखिए अभी मुकम्मल तौर पर इनकार नहीं हुआ, अच्छा सा कहवा बनाकर ले आए, वो मान जाएगा। अरे बाबा मैं क्यों? क्योंकि वो जानी को ना मैंने ऑफिस भेजा है काम से, वो थोड़ी देर में आएगा, आप बना देना कावा। नहीं बाबा हम भी इस घर का आधा मालिक हूँ, ठीक है, हम पानी बॉयल करेगा, तुम उसमें कावे का पत्ती डालेगा। नहीं ना अच्छी सी बना देना चाहे मेरे प्यारे से कावबॉय। बस बच्चू यही बाबा तेरी कमजोरी है, ठीक है सही यहाँ बैठो मैं लगा। अब बड़ा अच्छा सा कावा बनवाया है, ये हमने सिंधी कावा बनवाया। हमारा कोठा में आओ तो तुम देखो तुम्हारा कैसा खाते तवासा करे हम। बिल्कुल बिल्कुल अभी भी कमी नहीं होगी, ये कावा पी के देखे। लगने खेला कैसा गेम, देसी बाबू इंग्लिश में, रोज नया है एक प्लान, तीर कहीं तो कहीं कमान, टेंशन में है हर बंदा, कैसे चलेगा ये धंधा, भैंस के आगे बीन नहीं, इम्प्रोवाइज नहीं, मतलब क्या है वट्टा सट्टा। अब सही काम मिला है। क्या मतलब है बाबा? मैं आपको थोड़ी कह, इनको कह रहा हूँ, इनको अब जाके इनको आराम मिला है जो इनको चाहिए था। जानी बाबा मुझसे अब जो है ना मजीद मेहमान नवाजी नहीं होती है। आप टेंशन क्यों ले रहे हैं, जब मैं आ गया हूँ फिक्र की कोई बात ही नहीं, जाए अंदर रेस्ट करें, जाए सुकून से। केला तो खाने दो यार। यार हमारे पास अब टाइम नहीं है, अब हमको ये बताओ कि तुमने क्या फैसला किया। यार हमारी जल्दी से शादी कराओ, क्योंकि हमने एक जूतों का नहीं, वो क्या हमारा कारोबार, चप्पल का कारोबार है, वो हमने उसका कंटेनर तुर्कमेनिस्तान पहुंचाना है। तुर्कस्तान नहीं तुर्कमानिस्तान। हाँ वहां पे भी जाएगा। हाँ तो बस हमें तो कबूल है, क्यों बच्चू? अच्छा बाबा अगर मुझे भी थोड़ा थोड़ा कबूल है बाबा, लेकिन एक मसला है, वो हमें बाबा सही को ना गांव में बताना पड़ेगा। अरे भाई तो फिर बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत मुबारक हो। मुबारक मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। अरे सही तुम फिर आ गए, चलो निकलो घर से वरना हमारे हाथ से तुम्हारा कत्ल हो जाएगा। ओ हेलमेट वाली सरकार, ये बार बार अपना चलान कराने क्यों आ जाते हो, बाहर जाओ। अरे मैं तो ये तो एक जूतों की बहुत बड़ी फैक्ट्री के मालिक हैं। ये इनके जूते तो एक्सपोर्ट होते हैं, बड़ा कारोबार है दुनिया में। अरे चुप करो, बड़ा कारोबार है, अरे ये तो मोची है। ऐसा ही मोची? हाँ हाँ मोची, और वो भी निहायत घटिया और चोर किस्म का। लो बताओ मेरा इतना महंगा जूता,
सिलाई करने के बजाय इसने वेल्डिंग कर दिया, सारा जूता मेरा पिघल गया। पूछो पूछो इससे पूछो। बाबा ये सच है क्या? अरे मड़ा इसने बोला हमको। अरे सही अपनी जबान में बात करो। भाई ने भाई ने किया। मैं जा रहा था दही लेने के लिए, अम्मी ने कहा था आधा किलो दही लेकर मैंने बिरयानी बनाई है। ये जो चटनी पहना हुआ है ना, इसने मुझको रास्ते में रोका और उसे कहा ये तुम्हें सब कुछ करना है। चनी सही बाबा ये तुमने किया है क्या? ये सब मैडम ने कहा था मुझे, मैडम के कहने पे मैंने किया ये। क्या बात करता है सीमा। बाबा ये बच्चू वो I'm sorry, वो गलती हो गई, माफ कर दो मेरा कावबॉय। ए माय कावबॉय। अरे बाबा तुम निकलो यहाँ से, हमें गुस्सा आ जाएगा। निकलो बाहर बाबा। सीमा सॉरी। अरे सीमा हम तुम्हें तो कुछ नहीं कहेगा बाबा, लेकिन एक आदमी है जिसको हम माफ नहीं करेगा और वो ये खट्टा मीठा। क्या जरूरत है बाबा, अब कुछ टूट जाएगा, वैसे भी तुम्हारे पापे आ गए हैं। पापा मैं ठीक हूँ, आपकी दुआएं हैं। मैं तो नहीं दिया ना। अच्छा किया, तासीर भी तो होनी चाहिए ना बाबा। भाई खुशकी पे कैसे? ओए मेरे जरा बूदा लगियो, मेरा ताल्लुक बहुत खून खराबे वाले खानदान से है, मुझे मशवरा ना दे। ओए अरे सही तो फिर तुम्हें क्या दे? ओ या तो मेरे 2 करोड़ दे या फिर सेठ हजमत का पता दे। और उसके पास इतना बड़ा चाकू भी है। चाकू आपको कैसे मालूम? वो गुंडा है गुंडा। ओए हजमत ओए तू लड़कियों की आवाज बना के मेरे को बेवकूफ बना रहा है। अरे क्या हो गया अंधे मुंह है, मैं छोकरी हूँ बाबा छोकरी। इम्प्रोवाइज़ी नहीं मतलब क्या है वट्टा सट्टा, जो नो कर वो जाकर भी, अंदर भी है बाहर भी, नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ न जाए इनका फट्टा। कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा।